दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया, आप उस श्रीफल को 5 रात्रि 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उसे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको, आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया।